अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी कैपको ने मल्टीपल कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस की हैं, और ये कैपको की 2022 की जॉब्स हैं। जूनियर इंजीनियर लाइन सुपरिटेंडेंट SSO की जॉब्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीट डिटेल बताऊँगा कि कैसे आपने इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी हैं, और इसके अलावा जो इसमें जो अप्लाई कैसे किया जा सकता है, तैयारी आपने कैसे करनी है, और इसमें कौन से न्यूज़पेपर में जॉब एडवर्टीज़ हुई है, ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट kamyabengineer.com ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं इन जॉब्स के लिए। तो गाइज़, आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट kamyabengineer.com ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पर डेली की जॉब अपडेट होती हैं। इसके अलावा जो प्रिपरेशन मटेरियल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा ऑनलाइन एमसीक्यूज एंड सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के उनको भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइज़, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड कैपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, तो 2022 की जो कैपको की जॉब्स हैं। और सबसे पहले फ्रेंड, इन तमाम पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 20 जनवरी 2022 जो है वो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इससे पहले पहले आप अप्लाई कर लें, और इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, एडवर्टीजमेंट में मेंशन नहीं है तमाम चीज़ें, क्वालिफिकेशन भी मेंशन है। और ये आज के दिन यानी 5 जनवरी 2022 को ये जॉब एडवर्टीज़ हुई हैं। और इसके सबसे इसको मैं आपको फ्रेंड इसकी जो वेकेंट पोजिशन है वो बता देता हूँ, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आपको साथ में बता देता हूँ। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं वेकेंट पोजिशन, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी गैपको पंजाब पाकिस्तान इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ, ये तीन पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो तीन पोस्ट हैं, ये तीन पोस्ट हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, उसके बाद लाइन सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, उसके बाद जो है SSO की पोस्ट है। तकरीबन तीन पोस्ट बन जाती हैं, और जूनियर इंजीनियर में सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्टूडेंट PC रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं उनकी डिग्री अच्छी से रिकग्नाइज होनी चाहिए, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 70 नंबर ऑफ पोस्ट हैं टोटल। सेकेंड नंबर पर फ्रेंड, हमारे पास जो लाइन सुपरिटेंडेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें इसमें आपको 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की डिग्री रिक्वायर्ड है, और इसमें साथ में आपको मैट्रिक और टोटल पोजिशन जो है वो 90 पोजिशन इसमें। तो SSO की जो जॉब्स हैं वो 25, इसमें भी मैट्रिक और DA के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो जूनियर इंजीनियर की 70 पोस्ट हैं, और लाइन सुपरिटेंडेंट की 90 पोस्ट हैं, और SSO की 25 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड, इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट है, हैज़ पर द एडवर्टीजमेंट ऑफ January 5, 2022 पब्लिश इन द डेली नेशन न्यूज़पेपर, उसमें ये एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई है। आप जाके वहाँ पर ऑनलाइन ओपन करके इस न्यूज़पेपर को वहाँ पे जाकर देख भी सकते हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिए। और फ्रेंड्स, इसमें जो अप्लाई करने का लिंक मैं आपको बता देता हूँ, ये अप्लाई करने का लिंक NTS की वेबसाइट पे जाके आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो इस लिंक को मैं ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो ये आपके सामने मैंने ये लिंक ओपन कर लिया है, NTS का ये लिंक यहाँ पर ओपन हो रहा है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये ओपन एप्लीकेशन पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो ये अभी तक ये यहाँ पर NTS की वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट यहाँ पर जो अपडेट नहीं हुई, तो आज या कल तक ये फ्रेंड्स ये यहाँ पर ये एडवर्टीजमेंट यहाँ पर अपडेट हो जाएगी, और यहाँ पर आप क्लिक करके इसमें अप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और नेक्स्ट है फ्रेंड, इसमें इसके एडवर्टीजमेंट को आप यहाँ से लेफ्ट करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ्रेंड, इसका एडवर्टीजमेंट थोड़ा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसके लो ग्राफिक पिक्चर है ये। तो इसमें फ्रेंड, तैयारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपने तैयारी कैसे करनी है। ये हमारा फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल दोनों के ऊपर NTS के प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं। NTS के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी पेपर हैं वो तमाम अवेलेबल हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ये हमारी वेबसाइट के ऊपर ही NTS पास्ट पेपर पे क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं, तमाम पास्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे जो प्रिपरेशन मटेरियल के ऊपर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल के तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके यहाँ से आप वहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तमाम प्रिपरेशन मटेरियल और जितनी भी चीज़ें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्रेंड्स अवेलेबल हैं।
तो ये यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपको बता देता हूँ यहाँ पर आपने कैसे तैयारी करनी है। ये आपके सामने ओपन हो रहा है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आपके सामने हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ओपन हो चुका है। तो मैं प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके आपको बताऊँगा कौन कौन सी प्लेलिस्ट आपने यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो कि NTS के पास्ट पेपर होंगे वो आपने प्रिपेयर करनी है। प्लेलिस्ट होगी यहाँ पर कंप्लीट NTS की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो ये आपके सामने आए, ये प्लेलिस्ट है NTS पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर। इसके अलावा तमाम आपको फ्रेंड प्रिपरेशन मटेरियल जितने भी हैं तमाम सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट डिफरेंट प्लेलिस्ट मेंशन है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह हम डेली की जॉब्स हमारी वेबसाइट पे अपडेट होती हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।